नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं जयंत पात्रीकर, आ रहा हूं लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, आज इंजीनियर्स डे है, आज ओणम का त्योहार भी है, तो आपको ओणम की शुभकामनाएं और आप में से जो भी श्रोता तकनीक से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उन सभी को इंजीनियर्स डे की भी शुभकामनाएं हम देते हैं। दोस्तों, दरअसल बात है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के विषय की, और वो ये है कि हम आज तकनीक के चलते जो विकास होता जाता है और उसके कारण जैसे जैसे विकास हुआ शहर बढ़े और शहरों की ओर लोग उन्मुख हुए उसकी बात करने वाले हैं, यानी गांव की बात और शहरों की बात। तो गांव में रहने के फायदे क्या है और शहरों में क्या अलग होता है, इसकी बात करेंगे आज। आइए www.facebook.com/vbsmumbai पर और कीजिए हमसे बातें गांव की और शहरों वाले हैं। और इस विषय को लेकर के हमारे कई श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। श्रोता लिख रही है, आप सभी को इंजीनियर्स दिवस की शुभकामनाएं। गांव से शहर की ओर लोग जा रहे हैं, ये सब इसी तकनीक की वजह से। यदि इसके फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज हम घर बैठकर मंगा लेते हैं, यह तकनीक का ही कमाल है। और कहीं भी जाना हो तो तुरंत उसी जगह पर वाहन भी उपलब्ध हो जाता है। और मोबाइल में तो न जाने कितने सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जिनसे लोगों को ठगा जा रहा है, उनके खाते से पैसे उड़ रहे हैं। और अगला एक कमेंट हमारे श्रोता का है, वो कहते हैं, मैं ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं शहरों से उतना ही जुड़ा हुआ हूं जितना गांव से। मेरा गांव तकनीकी तौर पर शहरों से किसी भी रूप में कम नहीं है। आज के समय में बात चाहे सड़कों की करें या आईटी की, बिजली की करें या पीने के पानी की, सब सहूलियत बराबर है। हाँ, हमारे गांव में शहरों की आपाधापी शोरगुल और व्यस्तता नहीं है। गांव में हर वासी एक दूसरे को जानते हैं, मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कमी सिर्फ चिकित्सा संसाधनों की है जिसके लिए शहर का रुख करना पड़ता है। वैसे गांव में बीमार भी शहरों की तुलना में कम पड़ते हैं क्योंकि वहां प्रदूषण नहीं होता। और इसी बात को आगे बढ़ाता हुआ ये कमेंट हमारे श्रोता का है, आज के प्रदूषित वातावरण को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो साफ तौर पर जग जाहिर है कि शहरी इलाकों में रहने से बेहतर ग्रामों में रहा जाए। इसके बहुत से कारण गिनाए जा सकते हैं। मसलन, गांव की जिंदगी प्रकृति से जुड़ी है, वहां हवा, पानी और अनाज, दूध आदि सब ताजा और स्वास्थ्यवर्धक है। वर्तमान दौर में गांव का संपर्क शहरों से बेहतर तरीके से जुड़ते जा रहा है। आवागमन के साधन हो या संचार माध्यम की बात करें, इन आधारभूत सुविधाओं से ग्रामीण जीवन बेहतर होता जा रहा है। और एक अलग सा कमेंट हमारे श्रोता का है, लिखती है कि तकनीक ने हालांकि बहुत उन्नति की है पर एहसास में उतनी ही कमी आई है। मुझे याद है कि दिल्ली बात करने के लिए श्रीनगर कश्मीर से ट्रंक कॉल के माध्यम से घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहीं आज हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल है। जिंदगी आसान तो हो गई है पर वो दिल का प्रेम कहीं खो गया है। शहरों में इतनी भीड़ हो गई है कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया है, पर नौकरी या बच्चों की वजह से शहरों में रहना मजबूरी हो गई है। मेरा दिल हमेशा अपने कश्मीर जाने को करता है पर बच्चे यहां सेटल है इसलिए बस शहर में रहना पड़ रहा है। चलिए कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवाते हैं। जी हाँ, यही जो वाद्य संगीत आप सुन रहे थे, 1962 की यह फिल्म है प्रोफेसर। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आपको बस पार्श्व गायिकाओं के नाम बताने हैं। जाएगा कमरे गा
बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत हम सुन रहे थे प्रोफेसर फिल्म से। आगे बढ़ते हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि तकनीक का जितनी तेजी से विकास हो रहा है उससे अधिक तेजी से हम बदल रहे हैं। मानो एक होड़ लगी है, इस होड़ में हमारी पहचान पीछे छूटती जा रही है। बदलते दौर ने हमें सहूलियत तो दी है मगर सहज जीवन जीने की कल्पना नित धूमिल होती जा रही है। शहर के करीब आकर गांव की भी शक्ल सूरत और सीरत सब बदल गई। महज गांव ही क्यों, कस्बे और शहर के रंग ढंग भी पहले जैसे अब नहीं रहे। भले तकनीक ने कितनी भी तरक्की कर ली हो मगर समय के दामन में जो अतीत की पंखुड़ियां बची हैं उसकी सुगंध अभी उड़ी नहीं है। वे उस संसार की कहानी कहती है जो अपनी तरह से मनमोहक और लुभावना था। ये कहना भी गलत होगा कि सब खत्म हो गया। तकनीक ने जीवन जीने का रूप बदल दिया है। तकनीक के पीछे संयमित रूप से जिसने तालमेल बिठा लिया उन्होंने दुनिया में नई इबारतें रची है। सो तकनीक का प्रयोग जीवन में अमृत की बूंदों की तरह करें, तकनीक के गुलाम न बने। और अगला एक कमेंट हमारी श्रोता का है। उनका कहना है कि शहरों की दौड़ती भागती जिंदगी से दूर गांव में आज भी शुद्ध हवा पानी प्रदूषण रहित शांत वातावरण होता है, लेकिन रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए हर व्यक्ति गांव से शहरों की ओर पलायन करता है, क्योंकि जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून से संबंधित हो सभी शहरों में है। शहरों में आईटी कंपनियों की प्रभावशाली संख्या के कारण स्कूली शिक्षा के बाद काम करने के इच्छुक छात्रों के लिए अनेक नौकरियां भी उपलब्ध हैं। अतः आज गांव की अपेक्षा शहरों में रहने वालों की संख्या ज्यादा है। और एक कमेंट हमारे श्रोता का है। उनका कहना है कि गांव और शहर दोनों ही हमारे देश की विविधता को दर्शाते हैं। गांव में शांति और प्राकृतिक सौंदर्य है, जहां लोग सरल और सादगी से जीवन जीते हैं। वहीं शहर में आधुनिकता और विकास है, जहां लोग व्यस्त और गतिशील जीवन जीते हैं। गांव में हमें ताजी हवा और शुद्ध पानी मिलता है, जबकि शहर में हमें आधुनिक सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलते हैं। गांव का परिवेश हमें शांति, सुकून और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराता है, जो हमारे जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। शहरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं। बिल्कुल, ऑल प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान शहरों के और गांव के, अलग अलग तरह के कमेंट्स हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं। और इस बीच गीतों का सिलसिला भी चलता रहना चाहिए। तो अगला गाना आप सुनने वाले हैं आशा भोसले के स्वर में, आनंद बख्शी की बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। बताइए किस फिल्म का ये गीत है।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही लिखा है, लोफर फिल्म का गीत हम सुन रहे थे। आज के विषय को लेकर हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिन ब दिन शहरों का विकास होता है, गांव उजड़ के रह गया, आंधिया गम की चली, विकास के नाम पर पेड़ काटे गए, बारिश का संतुलन बिगड़ गया, खेती पर उसका बुरा असर हुआ, खेत में बनी हुई तरकारी और धान्य को हम बहुत कम दाम में मिलने लगे, गांव के लोग शहर आने लगे, रहने को घर नहीं है, बांध काम मजदूर, अच्छा इनका कहना है कि मजदूर काम की जगह रहने लगे, स्वच्छता अभियान कम पड़ने लगा, पानी और बिजली की कमी है, फिर भी बिल्डिंग के बाद बिल्डिंग बनाई जा रही है, अभियंता और अन्य अभियांत्रिकी की शिक्षा लेने वाले बिल्डिंग रस्ते पुल बनाने में व्यस्त है, लेकिन इस विकास से समस्याएं भी बढ़ गई है। और कुछ विस्तार से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार रोजगार के अलावा शहर लोगों को कई प्रकार के अवसर उपलब्ध कराते हैं और विश्व भर में 80% से ज्यादा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देते हैं। कुल ऊर्जा खपत का 60-80% और कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 3/4 हिस्सा शहरी क्षेत्रों में होता है, जबकि उनके पास पृथ्वी की सतह का महज 3% हिस्सा ही है। सांस्कृतिक विरासत और विविधता को समेटे गांव की तुलना शहरों से होती रही, ये तुलना होती रहेगी जब तक कि गांव और शहरों के बीच की खाई पूरी तरह से पट न जाए। इस खाई को पाटने का काम देश के हर शख्स का है जो यहां पैदा हुआ है और जिसे इस मिट्टी ने आगे बढ़ाया है। हमारे शिक्षण संस्थान भी इस कड़ी में शामिल है जो गांवों की विकास गाथा लिखने में योगदान दे रहे हैं, इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। और अगला एक कमेंट है, श्रोता लिखते हैं कि गांव प्रकृति से नजदीक होने से प्रदूषण की समस्या शहर के मुकाबले कम होती है, गांव की हवा शुद्ध होती है जिससे हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचती, गांव में पशुपालन और खेती के व्यवसाय के कारण गांव प्रकृति के नजदीक होता है, जबकि शहर में बड़े उद्योग और अन्य दुकानें और मॉल के कारण यहां व्यस्तता ज्यादा रहती है और प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ जाती है। गांव का जीवन सीधा और सरल रहता है, गांव में सुविधाएं कम होती है लेकिन इंसानियत देखने को मिलती है जो शहर में भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गई है। और अब श्रोताओं आपको सुनवाते हैं 1973 की फिल्म ये गुलिस्तां हमारा का ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। गोरी गोरी गाँव की गोरी रे, किस लिए बुन रही गोरी रे, कच्चे हैं तेरे ये रेशम के धागे, टूट जाए जो कोई तोड़ के भागे, जब से तो लागे, पीछे पीछे मैं हूं तू आगे आगे, खींचे चले आओगे जाओगे जहां, जाके देखो तो पर चोरी रे, ओ पिया गोरी गोरी गाँव की गोरी रे। पंछी जैसे मुझे तू बंदी बना लेगी कैसे, तुझे मैं बंदी बना दूंगी कैसे, सैया भैया में भैया डाल के ऐसे, तोरे होठों से लग जाऊंगी मैं बनके बांसुरिया
हमारी गाँव की गोरी रे। आप सभी के आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट है। जी हाँ, ये आनंद बख्शी का रचा हुआ गीत था, संगीतकार सचिन देव बर्मन, दोनों जवाब सही है। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह तथा साथियों का गाया हुआ गीत। आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत। आपको फिल्म का नाम बताना है, मगर उससे पहले श्रोता क्या कह रहे हैं आज के विषय को लेकर। गांव और शहरों की बातें हो रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि भारतीय ग्रामीण जीवन की मनोरम झलक हर कोई पाना चाहता है, मगर ये नसीब की बात है जो लोग गांव छोड़कर शहर में आकर बस गए हैं उन्हें गांव का महत्व तभी पता चलता है जब वे धक्के मार जीवन से व्याकुल होकर अपने अतीत के जीवन में झांकते हैं। मगर गांव की ताजी हवा, शांति और शहर के प्रदूषण से दूर लोगों का आपसी प्रेम, पुराने संस्कार, अगर आप गांव में रहे होंगे तो आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं। गांव में साफ और सादगी का जीवन बड़ा ही सुंदर होता है। और उसी के आगे हमारी श्रोता का कमेंट दिखाई दे रहा है, लिखती है कि हमारे भारत में त्योहार अधिकतर धार्मिक, राष्ट्रीय या फसलों के पकने के समय होते हैं। ओणम भी एक धार्मिक त्यौहार है। हमारे यहाँ चूंकि फसल की कटाई के समय के त्यौहार गांव से ही जुड़े होते हैं, खेती गांव में होती है, इसलिए अब गांवों में भी शहरों की तरह सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सब तकनीक में बढ़ोतरी के चलते हो पा रहा है। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़कर आने जाने की सुविधा, खेती के लिए ट्रैक्टर, पानी के लिए पंप और आधुनिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। बिजली पहुंचने से बहुत सुविधाएं हो गई है। सरकार किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने लगे हैं। अच्छी सड़कों की वजह से बस, ट्रक, कार, स्कूटर, बाइक से शहर आने जाने में सुविधाएं मिल गई है। हम लोगों की संस्कृति गांव से जुड़ी होने के कारण गांव अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और एक कमेंट आपको बताते हैं, उसके बाद गीत की ओर बढ़ेंगे। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आजकल शहरों की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से हर कोई हैरान और परेशान है। वातावरण में शोरगुल, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब परेशान रहते हैं। शहरों में बड़े बड़े मकानों में घुटन भरी जिंदगी जीता हुआ इंसान बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान रहता है। माना कि बड़े शहरों में सुविधाएं होती हैं, परंतु समस्याएं भी कम नहीं होती। शहरों में खर्चे ज्यादा होते हैं, भारी यातायात से हर पल दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। तो हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से सोच करके श्रोता अपने अपने कमेंट लिख रहे हैं। बहरहाल, अगले गीत की बारी है। आपको फिल्म का नाम बताना है। ये गीत आशा भोसले, भूपेंद्र सिंह और साथियों की आवाजों में है। आनंद बख्शी की बहुल, आर डी बर्मन का संगीत। बताइए किस फिल्म का गाना है। Yeah.
बंद कमरों में चैन से जब सोते हैं ये जागता है सारी रात भागता है ताले टूटे होते हैं जब सवेरा दोस्तों आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। 1973 की फिल्म थी राजा रानी। गांव ये शब्द मन मस्तिष्क में आते ही शरीर में एक ताजगी की लहर दौड़ जाती है। हमारी श्रोता लिख रही है, जो लोग ग्रामीण जीवन जिए हैं उन्हें पता है कि ग्रामीण जीवन कैसा होता है। शहरी जीवन जीने वाले सिर्फ कल्पना कर सकते हैं या किताबों में चलचित्रों में देख या पढ़ सकते हैं कि ग्रामीण जीवन क्या है। ग्रामीण जीवन का सुंदर मनोहारी वर्णन तो कोई गांव वाला ही कर सकता है, शहर वाले क्या जाने। देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से होकर ही गुजरता है। गांधी जी ने कहा था, अगर आप असली भारत को देखना चाहते हैं तो गांवों में जाइए, क्योंकि असली भारत गांवों में बसता है। भारत मुख्यतः गांवों का देश है। यहां की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। आधे से अधिक लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है, इसलिए इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव के विकास के बिना देश का विकास किया जा सकता है। चलिए कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और 1977 की फिल्म से ये गाना आपको सुनवाते हैं। फिर एक बार आपको फिल्म का नाम ही बताना है। आवाजें हेमलता और सुरेश वाडकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। बताइए किस फिल्म का गाना है। मनमोहक ये प्यारा प्यारा गाना, एक तेरे नाने से यूं आँखें चुराने से मोहे कैसा कैसा लागे सारा गाना। कहाँ गए
पहले जो हम बिताए यही मधुर मधुर पल छू के उन घड़ियों का तब कोई निशान तक नहीं। से श्रोताओं ने कोशिश की है जवाब देने की और सारे जवाब लगभग सही है। जी हां, ये पहली फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। ये फिल्म आई थी 1977 में। अब 1977 की ही एक और फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मगर उससे पहले हमारे श्रोता क्या कहते हैं बताएं आपको आज के विषय को लेकर। उन्होंने लिखा है कि मेरा बचपन गांव में बीता है जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। अब मैं बड़े शहर में रहता हूं जहां मेरी ही कॉलोनी में आधे से अधिक लोग एक दूसरे को नहीं जानते। मेरा ससुराल एक गांव में है जहां जब भी जाता हूं कई लोग मिलने चले आते हैं और कहीं कई का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ता है। 45 वर्ष पूर्व जब मैं पहली बार पत्नी को लेने ससुराल गया तो विदाई में मोहल्ले के 10-12 महिलाएं और बुजुर्ग स्टेशन पर आकर हमारे ट्रेन में सवार होने तक खड़े रहे। हालांकि अब धीरे धीरे गांवों का भी शहरीकरण होता जा रहा है। गांव के युवा भी अब शहरी फैशन का अंधानुकरण करने लगे हैं। छोटे छोटे कमेंट्स हमारे श्रोताओं के। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव की मिट्टी से उपजी फल और सब्जियों की बात ही अलग होती है। मैं जब भी जाती हूं तो खूब सारी सब्जी लेकर के आती हूं। और उसके बाद एक कमेंट हमारे श्रोता का, खेती किसानी में आने वाली कठिनाइयां गांव से शहर की ओर पलायन के प्रमुख कारण हैं। अधिकांश किसान आधुनिक कृषि उपकरण और तकनीकों का उपयोग करने में असमर्थ हैं क्योंकि ये उपकरण बहुत महंगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं 1977 की फिल्म घरोंदाज से ये गीत। भूपेंद्र सिंह और रूना लैला की आवाजें हैं, गुलजार के बोल जयदेव का संगीत। आपको बताना है गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, यानी फिल्म घरोंदा के नायक नायिका कौन है। दीवाना। एक दीवाना शहर में। एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में। आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने।
शहर में, रात में या दोपहर में, आबूदाना ढूंढते हैं आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। सभी के जवाब बिल्कुल सही है। घरौंदा फिल्म का ये गाना फिल्माया गया फिल्म के नायक अमोर पालेकर और नायिका जरीना वहाब पर। आज के प्रदूषित वातावरण को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो साफ तौर पर जग जाहिर है कि शहरी इलाकों में रहने से बेहतर ग्रामों में रहा जाए, हमारे श्रोता का कहना है। इसके बहुत से कारण गिनाए जा सकते हैं, मसलन गांव की जिंदगी प्रकृति से जुड़ी है, वहां हवा पानी और अनाज दूध आदि सब ताजा और स्वास्थ्यवर्धक है। उसी के बाद एक और कमेंट है हमारे श्रोता का, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं शहरों से उतना ही जुड़ा हूं जितना गांव से। मेरा गांव तकनीकी तौर पर शहरों से किसी भी रूप में कम नहीं है। आज के समय में बात चाहे सड़कों की करे या आईटी क्षेत्र की, लगता है ये कमेंट हम पढ़ चुके हैं। और आगे एक कमेंट है हमारे श्रोता का, लिखती है, पहले गांव की लोगों को शहर एक सपना सा लगता था और अब शहरवासियों को गांव मधुर सुहाना अपना लगता है। आज गांव में भी शहर जैसी अनेक तकनीकी सुविधाएं आ पहुंची है, फिर भी शुद्ध हवा, प्रकृति का सानिध्य और कम आबादी के कारण छोटे गांव सुसह्य लगते हैं। अनेक आधुनिक तांत्रिक सुविधाएं होने के बावजूद भी जहरीला प्रदूषण, जानलेवा ट्रैफिक और लोक संख्या की बेशुमार घनता के कारण शहरों में दम घुटने लगता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विचलित हो जाता है। आधुनिक तंत्र विज्ञान के फायदे प्रगति पथ पर जरूर ले जा रहे हैं, लेकिन तंत्र ज्ञान का
अतिरेक विनाश की ओर ले जा रहा है। तंत्र ज्ञान की उपयोगिता उसका इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर है। बहुत अच्छी अच्छी और बिल्कुल सुलझी हुई बातें श्रोताओं के कमेंट में सुनने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं 1977 की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए, इस फिल्म का गाना। एक बार फिर फिल्म के नायक नायिका का नाम आपको बताना है। हेमलता की आवाज है, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। बताइए कौन है इस फिल्म के मुख्य कलाकार। क्या बात है, सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। जी हाँ, फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए के मुख्य कलाकार थे प्रेम किशन और रामेश्वरी। दोस्तों चलिए अगला गाना आपको सुनवाते हैं। ये फिल्म भी 1977 में आई थी। आपको फिल्म का नाम भी बताना है और गीतकार और संगीतकार के नाम भी बताने हैं। बता दें आपको, इस फिल्म के भी मुख्य कलाकार थे अमोल पालेकर और जरीना वहाब। ये गाना येसुदास के स्वर में। बताइए किस फिल्म का है और गीतकार और संगीतकार कौन है। ओ, 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 ओ,
प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा चंद्रमा जू आधा आधा जवानी गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे आके यहाँ रे। अपना बनाने को पंच करे देखो इनके जमारे इनके जमारे। और तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे आके यहाँ रे। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है। जी हाँ, चिच्चोर फिल्म का ये गीत था। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। और हमारे एक श्रोता हैं, लिखते हैं कि अभी एक श्रोता ने गांव में बढ़ी हुई सुविधा गिनवाई जो आपने पढ़ी, तो साथ में शहरों से वाहन द्वारा ज्यादा संपर्क बढ़ने तथा ट्रैक्टर की खेती और बोरवेल पंप के कारण पोल्यूशन भी बढ़ता जाता है। आज खेती में जुड़े लोगों को भी दिल की और मधुमेह जैसी बीमारियां होने लगी हैं। उन लोगों में महिलाओं सहित बीड़ी पीने की आदत होती है। और आगे लिखते हैं, मेरे जीवन की शुरुआती 8 साल गांव में बीते हैं, इसलिए ये सब चीजें देखी हैं। उन लोगों की इन बदियों से दूर करना जरूरी है, मतलब इन बुराइयों से उन्हें दूर करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और श्रोताओं, अब जो गीत आपके लिए आ रहा है उसे हमने चुना है 1975 की फिल्म आक्रमण से। किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
फिल्म का नाम जो है, टाइटल जो है, उससे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है? पहले लोगों ने रखा था मेरा नाम निखट्टू। ओए दो दिन में जग ऐसे घूमा जैसे घूमे लट्टू। हो लट्टू भर्ती होकर करनैल आकर नैल सिंह बन बैठा। मेरा बापू साथ मेरे करनैल सिंह बन बैठा। आते देखा मुझको तो सब करने लगे सलामी। आगे पीछे दौड़े चाचा चाची मामा मामी। यारों ने सामान उठा कर रखा अपने सर पे। यारों ने सामान उठा कर रखा अपने सर पे। दरवाजे पर बैठे थे सब जब मैं पहुंचा घर पे। कसकर पूरे जोर से फिर मैंने सलूट जो मारा सबकी। छुट्टी हो गई फिर मैंने बूट से बूट जो मारा। फौजी गया जब गांव में, फौजी गया जब गांव में। घर के अंदर जाकर फिर जब मैंने खोला बक्सा। घर के अंदर जाकर फिर जब मैंने खोला बक्सा। हाय देख रहे थे सब यूं जैसे देखे जंग का नक्शा। हो नक्शा सबको था मालूम खुलेगी शाम को रम की बोतल। सबको था मालूम खुलेगी शाम को रम की बोतल। सब आ बैठे घर मेरे, घर मेरा बन गया होटल। क्या बात है, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आक्रमण फिल्म के निर्देशक थे जे ओम प्रकाश। और अपनी बचपन की बातों को याद कर रहे हमारे श्रोता, ये बात 1966 की बता रहा हूं, जब मेरी उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। वो दिन आज भी याद है जब मेरे मामा जी किराने की दुकान उनके गांव में थी, और जब मैं 2 महीनों की छुट्टियों में ननिहाल जाता था, मामा जी उस गांव में ले जाते थे। उस गांव में एक तालाब था। उस तालाब का पानी इतना शुद्ध था कि तलहटी में भी पत्थर नजर आते थे, और उस तालाब के पानी को लोग पीते थे। और हमारे गांव मामा जी ने उस तालाब के पानी से एक बार मुझे चने की दाल और चावल बनाकर खिलाया था। उस दिन को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। अब सोचिए उस वक्त पर्यावरण कितना शुद्ध और साफ था। श्रोताओं, अगला गाना आपके लिए आ रहा है। जी हां, आपको फिल्म का नाम बताना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में शहर में
सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बैराग फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और अब कार्यक्रम के अंत में इस गीत की झलक भर आपको सुनवाते हैं। बताइए क्या जानते हैं इस गीत के बारे में। समझे के हम हैं किसके दीवाने, वो हमारी आशिकी का रंग क्या जाने। जी हाँ दोस्तों, इतने कम समय में जितना भी आपने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। जो जीता वही सिकंदर फिल्म के गीत की झलक हमने सुनी, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजें। और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। हमने वैसे तो साजिश, पारस, सूरज और चांद और बाकी गीत भी चुन रखे थे, मगर समय कम है। आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।